मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज पर। देखते आज की कुछ खास खबरें। झूठा करारनामा तैयार कर जमीन बिक्री का प्रयास, ग्राम सोने के 57 किसानों के साथ धोखाधड़ी, पटवारी को ठहराया जिम्मेदार। 3/8/2017 में लिखित इस करारनामे पर दुल्हनबाई कटरे, श्री राम चौहान, गिरिधारी चौहान, नीलकंठ चौहान, प्रीति टेमरे, हीरालाल पटेल, बेनी राम पटेल के नाम उनके हस्ताक्षर के साथ दर्ज है। जमीन सही मालक किसानों के अनुसार उन्होंने अपनी जमीन बिक्री को लेकर ऐसा कोई करारनामा किसी के साथ करने से इनकार किया है। कभी भी किसी करारनामे पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस करारनामे पर ग्राम के बाकी और भी अन्य 50 किसानों का उल्लेख है। ऐसे कुल 57 किसानों के जमीनों का झूठा करारनामा तैयार करने का कार्य किया गया है, ऐसा आरोप शिकायतकर्ता द्वारा लगाया गया है। किसानों ने अपनी शिकायत में ग्राम सोनी कार्यरत पटवारी को भी जिम्मेदार ठहराया है, जिन्होंने 7/12 देने का कार्य किया है। इस गंभीर मामले को लेकर के किसानों में तनावपूर्ण माहौल है, जिससे लेकर इन किसानों ने एकजुट होकर मामले की शिकायत जिलाधीश, उपविभागीय अधिकारी, तिरोड़ा तहसीलदार, गोरेगांव थानेदार, गोरेगांव को पत्र द्वारा की है, जिसमें किसान को पटवारी द्वारा धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जहर लेकर बैंक पहुंचे किसान। आरवी स्थानीय स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा द्वारा किसानों से की जा रही सख्ती से कर्ज वसूली के विरोध में मंगलवार को किसान जहर लेकर सीधे बैंक मैनेजर के कैबिन में पहुंच गए। प्रहार सोशल फोरम के संस्थापक अध्यक्ष बाला जगताप के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन से बैंक में हड़कंप मच गया। आखिरकार स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक अनिल साटोने ने कर्ज वसूली रोकते हुए अवधि बढ़ाने का आश्वासन दिया, जिससे किसानों का रोष शांत हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कृषि विकास शाखा ने बकाया कृषि कर्ज को सख्ती से वसूली शुरू की, परंतु फसल नहीं होने से अनेक किसानों का कर्ज बकाया है। जिले को गीला अकाल घोषित करे कलेक्टर को सौंपा निवेदन। पिछले सप्ताह में हुई वापसी की बारिश से राज्य के लाखों हेक्टेयर की खरीफ फसल का नुकसान होकर शीघ्रता से पंचनामा कर राज्य में गीला अकाल घोषित करने की मांग जनमंच के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को सौंपे निवेदन में की है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।